गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा। हेलो दोस्तों, गाई जा क्या रोना के आज के इस कड़ी में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है हमारा कार्यक्रम गीत माला, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं बॉलीवुड के बेहतरीन गीत बिल्कुल माला में पिरो के। लेकिन इससे पहले दोस्तों, चलिए रुख करते हैं आज कुछ कही अनकही में हमारे मेहमान नेहा त्रिवेदी जी के साथ में। कुछ कहीं अनकहीं सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। हाँ तो साथियों, हम आज बात करते हैं स्वाद की। ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी चीज़ में जान डाल देता है। जिंदगी में हो तो जिंदगी में, भोजन में हो तो भोजन में, और रिश्तों में हो तो फिर बात ही क्या है। खट्टे मीठे तीखे स्वाद से ज़िंदगी सबकी रची बसी होती है। स्वाद से मुझे याद आया अपना बचपन। मैं मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ, जहाँ हम 5 भाई बहन थे, उनमें मैं सबसे छोटी थी। छोटे होने के बहुत सारे फायदे थे तो कुछ नुकसान भी, लेकिन प्यार सबका बेशुमार मिलता था। तब गैस चूल्हे होते नहीं थे, मम्मी रात को ही सिगड़ी में ढेर सारे पराठे बनाकर रख देती थी, क्योंकि सुबह हम सभी को स्कूल जाना होता था। सब भाई बहन तो चाय से पराठा खाकर चले जाते थे, लेकिन मेरा स्वाद कुछ अलग था। मुझे चाय पसंद नहीं थी तो मेरी मम्मी मेरे लिए रबड़ी बनाती थी और मैं उससे पराठा खाकर रोज स्कूल जाती थी। आज सोचती हूँ तो मेरी कल्पना से भी परे है कि मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती थी, जो मेरे स्वाद का इतना ध्यान रखती थी। समय बीतता गया, मुझे सब्जी में लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं था तो मेरे लिए अलग से सब्जी बनती थी। सब कहते थे हॉस्टल में डाल दो, सब नखरे खत्म हो जाएंगे। स्वाद का भी अपना अलग रुतबा रहता है। लेकिन जब शादी होकर आई तो घर की बड़ी बहू, अब तो मुझे सबके स्वाद का ध्यान रखना होता था और इन सब के स्वाद में ही अपना स्वाद ढूंढने लगी। भूल गई बचपन की वो रबड़ी, बिना लहसुन की सब्जी, वो स्कूल के बाहर खड़े ठेले का चना चरपटी, मटर मसाला, समोसे, सब। जब गृहिणी हुई तो भोजन के स्वाद के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान रखने लगी। भोजन में नमक मिर्च तेल हिसाब से डालने लगी। घर के लोगों के स्वास्थ्य को स्वाद से ज्यादा प्राथमिकता दी। अब जो जिंदगी में स्वाद है वो आत्मिक सुख का है, किसी को कुछ खुशी बांट देने का है। सबके चेहरों पर मुस्कान की लहर देख लेने के बाद सुकून से जी लेने का है। नमस्कार। दोस्तों, जब हम स्वाद की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ बनाना भी सीख लें। जी हाँ, चलिए हम मिलते हैं आज हमारे मेहमान अपर्णा नायक जी से, जो हमें आज रावा केक बनाना सिखाएंगे। नमस्ते दोस्तों,
गाए जा क्या रोना के सभी सुनने वालों को अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको घर पे आसानी से रवा केक कैसे बनाएं ये मैं आपको बताऊंगी। तो रवा केक बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है 1 कप दही, 1 कप शक्कर, 1 कप दूध, 1.5 कप जड़ा रवा, 1/2 कप घी, 1/2 टीस्पून सोडा, चुटकी भर नमक, 1/2 टीस्पून इलायची या जायफल का पाउडर। अगर आपको उसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है जैसे कि बादाम, किशमिश, काजू, तो वो भी आप ले सकते हैं। 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि दूध जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, वो गुनगुना होना चाहिए। और दही जो है वो खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम पानीदार। ऐसा दही ले जो थोड़ा गाढ़ा हो, जिसमें पानी की मात्रा कम हो। जो शक्कर हमने ली है, 1 कप शक्कर को पहले आप उसे मिक्सी में पीस लें ताकि जब हम दूध में उसे घोलेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। एक बर्तन में दूध, दही और शक्कर ले लें, उसे अच्छे से मिला ले तब तक जब तक शक्कर दूध में घुल ना जाए। जब शक्कर उसमें घुल जाएगा उसके बाद आप रवा, घी, सोडा, नमक, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स सब उसमें अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें कि रवा जब आप उसमें मिक्स कर रहे हो तो उसमें गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन गए हो तो डरिएगा मत, उसे अच्छे से फेंट ले, गुठलियाँ अपने आप मिक्स हो जाएंगे उसमें। जब ये सारे चीज़ें एक मिश्रित हो जाएंगे तो उस बर्तन को ढक के आप 3 घंटे के लिए रख दें। 3 घंटे बाद आप जिसमें केक बनाना चाहते हैं, चाहे वो बेकिंग ट्रे हो या कोई भी डब्बा हो, उसे अच्छे से तेल या घी से ग्रीस कर लें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने ग्रीस नहीं किया तो जब केक बेक हो जाएगा वो निकलेगा नहीं, वो चिपक जाएगा, तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस केक को उस टिन से। तो ये बात ध्यान रखें कि अच्छे से घी या तेल लगा के उस डब्बे को ग्रीस कर लें। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को 180 डिग्रीज यानी कि 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें, यानी कि पहले ही गर्म कर लें। ये भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें कभी भी आप कुछ भी बेक कर रहे हो ओवन में तो ठंडे ओवन में कभी भी उसे न रखें। तो 10 मिनट बाद ये जो आपने ग्रीस किया हुआ टिन है उसमें वो रवा, दूध, दही जो मिश्रण बनाया है उसे इसमें डाल दें और 30 मिनट तक 180 डिग्री के लिए बेक करें। बेक हुआ है ये आपको कैसे पता चलेगा? 25 मिनट बाद आप उस बेकिंग ट्रे को धीरे से सावधानी से बाहर निकालें, एक नाइफ उसमें डाल के देखें। अगर वो नाइफ साफ सुथरा बाहर आ जाए तो मतलब आपका केक रेडी है। अगर उसमें चिपका हुआ वो रवा या ऐसा कुछ लगे तो उसका मतलब केक को और 5 मिनट बेक करना ज़रूरी है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप ये केक कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में एक बर्तन को उल्टा रखें नीचे और ढक्कन लगा के उसे 5 मिनट तक उस कुकर को गर्म करें। बट कुकर का गैस्केट या जो रबर होता है वो और विसिल निकाल लें। विसिल और गैस्केट नहीं लगाना है कुकर में। 5 मिनट जब वो कुकर गर्म हो जाएगा उसके बाद में आंच धीमी कर दे और ये जो केक का टिन है जिसमें आपको बेक करना है वो टिन उसके ऊपर रख के धीमी आंच में 30 से 40 मिनट तक उसे बेक करें। इसमें भी वही, आपको 30 मिनट बाद नाइफ डाल के एक चाकू डाल के देख लें आप कि चाकू साफ बाहर आ रहा है या उसमें रवा चिपक रहा है। अगर रवा चिपक रहा है तो और 5 मिनट उसे गर्म होने दीजिए। इस तरह से आसानी से आप ये केक घर में बना सकते हैं। और ये केक मुझे इसलिए बहुत प्रिय है क्योंकि ये केक मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। उम्मीद है आपको ये केक की रेसिपी पसंद आए और आप घर पे बनाएं।
ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद। अपनी महफिल सजाते हैं गीतमाला की, जिसमें हम सबसे पहले सुनते हैं आंचल और शीला वर्मा जी को, जो लेके आई हैं गीत फिल्म किस्मत से, और गीत के बोल हैं कचरा मोहब्बत वाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, चढ़ते जवाने की ये पहली बहार लेके, चढ़ते जवाने की ये पहली बहार लेके, दिल में शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगू, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगू, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, सैया बेदर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगू, किस्मत बना दे मेरी दुनिया बसा दे मेरी, कर ले सगाई मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन
मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी। दोस्तों अगला गीत आपके समक्ष लेके आई है वसुधा सेन, फिल्म का नाम है लोफर और गीत के बोल हैं मैं तेरे इश्क में। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, तेरे कदमों पे रख दी है जान ले, बेकदर बेखबर मान जा जिन्ना कर, तोड़ कर दिल मेरा है मेरे इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में फिर ली क्यों नजर मुझसे रूठ कर, फेरनी क्यों नजर मुझसे रूठ कर, दिल के टुकड़े हुए टूट टूट कर, क्या कहा दिल रुबा तू है मुझसे खफा, एक बहाना है ये हकीकत नहीं, तू बहाने बनाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में कब से बैठी हूँ मैं इंतजार में, कब से बैठी हूँ मैं इंतजार में, झूठा वादा ही कर कोई प्यार में, क्या सितम हो सनम तेरे सर की कसम, याद चाहे न कर तो मुझे गम नहीं, हाँ मगर भूल जाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। आइए दोस्तों सुनते हैं अगला गीत शशि निषाद जी के स्वर में, जो लेके आई हैं गीत फिल्म आराधना से, जिसके बोल हैं बागों में बहार है। तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। टाइम कम अच्छा तो ये बताओ बागों में बहार है? अरे अच्छा बागों में बहार है, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना भैया, आओ ना मैं तेरी मां तो सैया,
ममता बघेल जी, आज आपके लिए लेके आई हैं फिल्म प्रेम पुजारी का ये बहुत ही बेहतरीन नगमा फूलों के रंग से। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में रागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना Thank you.
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाओ मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना और दोस्तों चलते चलते आइए मेरे स्वर में सुनते हैं फिल्म सड़क का ये गीत तुम्हें अपना बनाने की। Thank you.
पाई है, पाई है तुझे पाके जमाने की खुशी, पाई तो दोस्तों वक्त हो चला है आपसे आज विदा लेने का। हम आपसे फिर मिलेंगे शनिवार को, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।